हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ब्लॉग में। दोस्तों सिकंदर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है कि दोस्तों सिकंदर का जो कि फीमेल एक्टर है वो अनाउंस हो चुका है और सिकंदर में सलमान खान के साथ नजर आएंगे रश्मिका मंदाना। और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे AR मुरुगदास और प्रोड्यूसर है साजिद नाडियाडवाला। सिकंदर मूवी जो रिलीज होगी वो होगी ईद 2025 में। सवाल यह है कि रश्मिका मंदाना सलमान खान के साथ फिट बैठेंगे? मेरा ये मानना है फिट बैठेंगे, लेकिन कमेंट आज मैं जब नेट खोल के देखा तो कई जगह कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था सिकंदर के जो अनाउंस ये न्यूज़ है, देख रहा था कि जो रश्मिका मंदाना है और सलमान खान के बीच जो एज गैप है वो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का है, तो काफ़ी एज गैप है। अभी देखिए रश्मिका मंदाना की एज जो करीब 27-28 साल है, और वहीं अगर सलमान खान की बात करूं तो उनकी एज इस समय 57-58 साल के है, तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का गैप है। सोशल मीडिया में बातें चल रही है कि क्यों एज गैप को स्टार कास्ट कर रहे हैं, इससे बढ़िया आप नयनतारा को ले लेते या कोई और स्टार को ले लेते, लेकिन रश्मिका मंदाना सलमान खान के साथ फिट नहीं बैठते हैं ऐसा कहा जा रहा है, और उसको भी उनके फादर का रोल करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो सलमान खान है, दबंग है, और वो किसी भी एज वाले एक्टर के साथ फिट बैठ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसी बात है तो रजनीकांत को देख लीजिए, रजनीकांत जब भी फिल्मों में आते हैं किसी भी एक्टर के साथ फिट बैठ जाते हैं, तो ये सब गलत बात है कि एज गैप ये इतना है तो वो फिट नहीं बैठेंगे। मेरा ये मानना बिल्कुल सही नहीं है, और सलमान खान में वो काबिलियत है जब भी वो बड़े पर्दे पर आते हैं किसी भी एक्टर के साथ, जितना मर्जी एज गैप हो, जितना मर्जी चाहे मैच हो ना हो, लेकिन जब भी वो बड़े एक्टर जब भी वो बड़े पर्दे पर आते हैं आप अपने जो फीमेल लीड को बिल्कुल अपने साथ लेकर चलते हो, और चाहे वो 90s के दौर में हो या उसके बाद के दौर में और या अभी के दौर में हो। तो आप हमें बताइए कि रश्मिका मंदाना के साथ सलमान खान इस फिल्म में होंगे, जो लोग कह रहे हैं कमेंट कर रहे हैं कि वो फिट नहीं बैठेंगे, क्या वो सही कह रहे हैं? तो अगर सही कह रहे हैं तो क्यों सही कह रहे हैं जरूर हमें बताइए। तो हमारा ये छोटा सा अपडेट्स आपको कैसा लगा, और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।